क्लियर फंडिंग मामले को लेकर भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी आरोपियों को नो कोरोसिव एक्शन के तहत जो भी आरोपी हैं उनका अब ये अवधि उनकी बढ़ाई गई है, 30 अप्रैल तक ये बढ़ा दिया गया है। विनीत जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विनीत, इस पूरे मामले को समझाएं, जो कोरोसिव एक्शन बढ़ाया गया है टेरर फंडिंग मामले में, इसके अलावा जिन पर भी ये नो कोरोसिव एक्शन लगा है 30 अप्रैल तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है, क्या इसके मायने हैं, क्या पूरी जानकारी है? आशिया, टेरर फंडिंग मामला जो कि मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, इसमें जो भी आरोपी हैं, महेश अग्रवाल जो कि आधोनी कंपनी के सीएमडी रह चुके हैं, सोनू अग्रवाल जिनकी 26 स्टील कंपनियां हैं और कई इस मामले में उन्हें भी एनआईए ने चार्जशीटेड किया है, आरोपित बनाया है और गिरफ्तारी की तलवार इनके ऊपर एनआईए कोर्ट के द्वारा जैसे ही संज्ञान लिया गया था उसके बाद गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट में पहली सुनवाई के बाद इन्हें थोड़ी राहत मिली थी और कोर्ट ने किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और आज उस मामले में ही सुनवाई थी और कोर्ट ने उस नो कोरोसिव के ऑर्डर को एक्सटेंड किया है 30 अप्रैल तक। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 30 अप्रैल तक यह एक्सटेंशन हुआ है, तो अब देखना यह काफी अहम होगा कि 30 अप्रैल के बाद जब सुनवाई इस मामले में होगी तो कोर्ट का क्या एक्शन होता है और जिस तरह से बहस की जाएगी एनआईए के द्वारा, वो क्या दलीलें देंगे एनआईए के अधिवक्ता जब पक्ष रखेंगे और बचाव पक्ष के अधिवक्ता उनके दलीलों को किस तरह से काट करते हैं और जो भी चीजें आप देखें कि चार्जशीट में लिखी हुई हैं उनसे यह मामला काफी गंभीर मालूम पड़ता है और जो भी आरोप लगाए गए हैं चार्जशीट में उनके मुताबिक महेश अग्रवाल, सोनू अग्रवाल समेत जितने लोगों ने भी टेरर फंडिंग की है उन्होंने न सिर्फ नक्सलियों को आर्थिक सहायता दी है बल्कि उनके संग मिलीभगत का भी उनके ऊपर आरोप है और यह भी आरोप है कि इन्होंने अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ताकि का बिजनेस स्मूथली फंक्शन करे, इसके लिए नक्सलियों के संग साठगांठ की है। इस मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और क्योंकि कोरोना की वजह से किसी भी मामले में एडवर्स ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, इस वजह से इनके मामले में 30 अप्रैल तक इन्हें राहत मिली हुई है और 30 अप्रैल के बाद अब इस मामले में सुनवाई होगी। चलिए, शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी के लिए।